जिस जगह ये ठहरे हुए उसको बेसिकली अड्डा कहते हैं। बाजार गर्म किया हुआ है, कोई ऐसी मजबूरी होती है रात को निकलना पड़ता है। कितने पैसे ले? बस ले लेते 1000। ये है काम इनका एक ही है, सबका वजूहत और मसाइल इनके मुख्तलिफ है। मांगती भी हो, धंधा भी करती, मेरे प्रोग्राम भी करती हो, मुजरे फंक्शन सब फिरोशी पे क्यों? बस आ गई हूँ, जाहिर सामने करना पड़ता है। आपको मारते भी हैं, थप्पड़ वगैरह? हाँ करते, क्यों नहीं करते, जाहिर बदतमीजी तो करते हैं सब, गाली देते हैं, काम करते बाद में पैसे लेके सब कुछ लेके हमें मारते भी हैं, धमकियाँ ब्लैकमेल भी करते हैं। इन्हें भी पता चल गया हुआ है कि मीडिया हमारी साइड पे है, हमारी आवाज़ उठाता है, और मेन मकसद है अगर ठीक है ये गलत काम करते हैं, इनकी मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ एक ख्वाजा सिरा मौजूद है, पेशावर की पठान है या पठानी है लेकिन आई भी लाहौर है। अच्छा, इन्होंने हमारे साथ तामुन के इनसे हमने पूछा आपके क्या मसाइल है, क्यों क्या मामला है, जिस जगह ये ठहरे हुए उसको बेसिकली अड्डा कहते हैं, बाजार गर्म किया हुआ है, वजूहत इनकी मुख्तलिफ हैं लेकिन ये है कि काम इनका एक ही है, सबका वजूहत और मसाइल इनके मुख्तलिफ हैं, इसके क्या मसाइल हैं इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मुस्कान। मुस्कान क्या उम्र है? तकरीबन 20 साल। 20 साल? कहाँ से आई? मैं पेशावर की हूँ। पेशावर से? पश्तो आती है? जी। बोलो जरा। मैं नहीं बोलूँगी। नहीं बखैर आगले खुदे बखा, खुदे बखा। दिल तराशा इधर आ जाओ। हाँ अच्छा चलो, ये भी सही है। चाय उसके नहीं? इसके नहीं, नहीं? हाँ चलो ये भी ठीक है, यानी तुम पश्तो हो। जी। ये बताओ कि लाहौर क्या करने आए? अपनी रोजी पानी कमाने। घर कोई पीछे कमाने वाला नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा बोलो, यहाँ शोर से मुझे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं है? तुम यहाँ क्या कर? परवेसी। अच्छा शीमेल हो या बने हुए हो? आप देख सकती हैं। मैं देख लूँ, इजाज़त है मुझे? गुनाह है ये। देखना तो फर्ज है ना, आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं कौन ख्वाजा सरा है, कौन लड़के। हमारा आपको रवैया कैसे लगा? मीडिया वालों को बदनाम किए लोगों ने, हमने आपके साथ कैसे बात की? बहुत अच्छी। कोई लड़ाई झगड़ा किया? ना। तो आप लोगों से मशवरे के साथ आप लोगों को कायल करके किया है ना, जबरदस्ती नहीं किया। अच्छा कब से ये कर रही हो, लाहौर कब आई? लाहौर में तकरीबन 4-5 साल से। 4-5 साल से? लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है। मैं तो पहली मरतबा आई हूँ यहाँ पर, कोई ऐसी मजबूरी होती है रात को निकलना पड़ता है। अच्छा 5 सालों से ये काम कर रही है? नहीं मैं तो नहीं हूँ, अभी आई हूँ यहाँ पे। धंधा कब से कर? मांगती थी पहले। यहाँ सारी ये बैठी हुई हैं, मांगने के अलावा धंधा भी कर? हाँ मैं मतलब के मान मांगती भी हो, धंधा भी कर? कितने पैसे ले? बस ले लेती 1000। फ्री में? 1000 ले लेती हूँ। सारा कह रही है फ्री में? नहीं फ्री में। तो फिर पीछे घर वाले हैं, बहन भाई हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहन को क्या कहती हो कि क्या काम कर? उनको पता है सब कुछ, उनको क्या बताना है। अच्छा। ये अब तुम्हारा पूरा गैंग बैठा हुआ था, इसमें तुम्हारा गुरु भी था, चेला चेला वो कह रहा था तुम्हें, तुम उसके चेले हो किसी और? मैं किसी और की हूँ। क्या नाम है गुरु? मैं गुरु का नाम नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? वो फेमस है इसलिए मैं नहीं बता सकती। फेमस है तो तुम मजीद फेमस हो जाओ। नहीं मैं तो यहाँ पे लाहौर में रहती, गांव कमरा अपना कहाँ पे है? मैं ताज कंपनी, ताज कंपनी रहती। ताज कंपनी वहाँ इकरा भी है? इकरा हमारा गुरु तो नहीं है? मेरी गहराई है, गहराई है मेरी। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनके साथ इकरा के साथ जितने भी चेले हैं जितने भी हैं हमने उनका भी प्रोग्राम किया। हाँ ताज कंपनी के पास डबल सड़कों में। जी वो तो वायरल है इकरा? हाँ वो तो वायरल। कोई आपने टिकटॉक आईडी या कुछ बनाया? नहीं। फिर वो प्रोग्राम भी करती हो, मुजरे वगैरह? हाँ कह ले। फंक्शंस करती हो सारा सब, डांस वगैरह? जी। तो उसमें फिर क्यों नहीं आपने तवज्जो की वहाँ पे, ये जिस्म फिरोशी पे क्यों? बस आ गई हूँ, जाहिर सामने करना पड़ता है, पेट के खातिर सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा लोगों का क्या, किस तरह आपके साथ पेश आते हैं, मतलब कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो गलत काम के ही वो पैसे देते हैं? ठीक है
तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको तकलीफ देती हो, दुख देती हो, कि पैसे भी देते हैं, गलत काम भी करते हैं और साथ ये वाला सलूक भी? हाँ, कोई होते हैं, पैसे भी दे देती हैं, कार भी लेती हैं, बाद में फिर खींच भी लेती हैं। तो फिर आपको मारते भी हैं, थप्पड़ वगैरह? हाँ, करते, क्यों नहीं करते, जाहिर बदतमीजी तो करते हैं सब, गाली देते हैं, काम करते बाद में पैसे लेके सब कुछ लेके हमें मारते भी हैं, धमकियाँ, ब्लैकमेल भी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हाँ, सब आपकी बनाई भी है? नहीं, मेरे शराबें कहते हैं पीते हैं, फिर गलत गलत डिमांड करते हैं। यहाँ से हमारे साथ अच्छे भले चल जाते हैं, वहाँ पे जाके बूढ़े हो जाते हैं। वीडियोस भी बनाते हो? हाँ, फिर तुम लोगों को ब्लैकमेल भी करते हो कि बगैर पैसों के आ जाओ, हम ये वायरल कर देंगे। हाँ, ब्लैकमेल करते हैं और कुछ नहीं। नाज़रीन, ये मुस्कान है जिसने अपना बताया, पेशावर की है और यहाँ पर आई है और अपना जो है इसने सारा बताया मामला। बाकी आतिफ भाई से भी थोड़ी सी इसके हवाले से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, ये कौन है, इसके साथ डील हुई? बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे साथ डील किया, बड़े कोऑपरेटिव है। पहले तो इनको ये होता है कि मीडिया का माइक और कैमरा देखते हैं, ये लोग अटैक करते थे, पत्थर मारते थे, हमारे साथ लड़ाई करते थे, मतलब हमारे दूसरे मीडिया भाइयों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ तो तामुन नहीं। असल में बात ये, पता क्या बात है, इन्हें भी पता चल गया हुआ है कि मीडिया हमारी साइड पे है, हमारी आवाज़ उठाता है। और मेन मकसद है कि ठीक है, ये गलत काम करते हैं, इनकी मजबूरी है, ये कहते हैं कि हम इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते, कुछ और करते तो शायद ये काम ना हमें करता करना पड़ता, लेकिन ये अपने घर भी जा नहीं सकते, वालदैन भी इनके साथ कोई नहीं, कभी अटैचमेंट नहीं है इनकी, ये इनका गुरु है, गुरु के साथ रहते हैं, कुछ पैसे जो भी कमाने हैं गुरु को भी देना है, खुद भी खाने हैं, ये जितने पैसे कमाने हैं इन्होंने अपने आप ही खर्च करने हैं, इनकी यही जिंदगी है। मसाइल है, हज़ार कमाते हैं ना तो उसमें बड़े पैसे देने वाले, इनकी यही ज़िंदगी है। और जब ये एंड पे चले जाते हैं, 50, 60, 70 साल की एज में जाते हैं, तो फिर ये फारग हो जाते हैं, फिर इन्हें कोई भी नहीं मुँह लगाता, क्योंकि इनके गुरु फौत हो चुके होते हैं। गुरु फौत हो जाते हैं तो जो पीछे रहेगा मामला, इनके जो कोई भी इनके साथ जो रहते थे वो भी फारग, और ये खुद भी जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। जी नाज़रीन, इनके मसाइल आपने सुने, क्या कहेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फी अमानिल्लाह।